हिसार में आज एयरपोर्ट के सामने नरेंद्र मोदी की रैली का आयोजन किया जा रहा है और ये चुनावी रैली, खासकर क्योंकि चुनाव का माहौल है, तो तमाम तरह के जो लोग आए हैं इनसे बातचीत करते हैं कि आप ये बताएं आप कहां से आए हैं और अगर बात की जाए आज प्रदेश में किस किस पार्टी की टक्कर है। कांग्रेस और बीजेपी की, तेज बोलो। हाँ, कांग्रेस और बीजेपी की टक्कर है। बीजेपी तीसरी बार आएगी, पूर्ण बहुमत से आएगी। मेरा गांव बना है, नाम रिचवाल है, लंबाव में, और तीसरी बार पूर्ण बहुमत से बीजेपी की सरकार आएगी। तो आप क्या कहना चाहेंगे कि अगर बात की जाए आप आदमपुर से आए हैं, आदमपुर में चंद्र प्रकाश है और भव्य बिश्नोई भी है, क्या मानते हैं आप? हाँ, मुझे भव्य बिश्नोई ट्रक आया था आज 15-20 हजार बोलता हूँ बढ़त जी, भव्य बिश्नोई की। भव्य बिश्नोई की बढ़त क्यों है? बढ़त जी काम किया है उसने, भव्य बिश्नोई में 1.5 साल का टाइम मिले, इसमें उसने काम अच्छा किया है आदमपुर में। अगर हिसार क्षेत्र की बात की जाए, हिसार में सावित्री जिंदल भी खड़ी है, कमल गुप्ता भी खड़े हैं, रामनिवास राडा भी खड़े हैं, क्या मानते हैं आप? तो कमल गुप्ता है जी, रामनिवास राडा जगह पर रही थी। अभी जैसे मनोहर लाल खट्टर आए थे, एक युवक ने ये बोल दिया था कि हिसार का कैंडिडेट हारने वाला है, कैसे देखते हैं इसको? तो ऐसे अमृत गांधी जी दीपक सारा कही दिया जी। तो क्या आपको बीजेपी की नीतियां पसंद आई है? बीजेपी ने काम अच्छा किया जी। तो एक अगर बात की जाए, किसान आंदोलन हुआ लगातार, किसान खफा रहे ना जी, किसान में तो बोल रहा हूँ किसान था ही नहीं, हम तो अदर राजी को किसान। और एक जो मैं आप खुद को किसान ही हूँ, मैं किसान हुआ। हाँ जी, तो आपको फायदा मिल रहा है? हाँ जी, खूब मिल रहा है फायदा। एक जो अग्निवीर योजना चलाई है सरकार ने, उससे युवा असंतुष्ट है? असंतुष्ट नहीं युवा, मैं भी 4-5 साल को टाइम दिया, बाद में सरकारी नौकरी और मिल जाएगी, बाद में अग्निवीर में है तो फायदे। अब जैसे ये कहते हैं कि इसमें लगातार पक्की नौकरी दी जानी चाहिए, जैसे भर्ती होती है। हाँ, तो भर्ती है उसे लगने वाले पक्की नौकरी मिलती है जी। अगर आगे अगर बात की जाए, क्योंकि जो अपने गृह मंत्री है अनिल विज, वो भी कह रहे मैं भी दावेदार हूँ मुख्यमंत्री का, नायाब सैनी भी दावेदार है, और ये तो है ही, और कौन बनना चाहिए? तो नायाब सैनी जी, नायाब सैनी मुख्यमंत्री बनना चाहिए। इससे पहले मनोहर लाल खट्टर थे और लास्ट में इनको बनाया गया, कौन इफेक्टिव थे? नायब सिंह सैनी है जी। नायब सिंह सैनी, नायब सिंह सैनी किस लिए थे ज्यादा इफेक्टिव? मुझे काम आ सके नायब सिंह ने। तो हमारे साथ और लोग भी हैं, इनसे बातचीत करते हैं, ये बताएं कि जो अब वर्तमान में अगर मुख्यमंत्री की बात की जाए, मुख्यमंत्री बीजेपी में अगला कौन होना चाहिए? क्योंकि अनिल विज भी दावेदार हो गए हैं, नायाब सैनी भी हो गए हैं, कई नेता हैं जो लाइन में हो गए, आपको कौन बेहतर लगते हैं? नायब सिंह सैनी बेहतर लगते हैं। नायब सिंह सैनी किस लिए बेहतर लगते हैं? काम में बहुत ज्यादा एक्टिव है जी, एक्टिव है, बहुत ज्यादा एक्टिव है जी। और जैसे मनोहर लाल खट्टर ने भी अपना कार्यकाल संभाला, उससे क्या उनका कैसे देखते हैं? वो नए कार्यकाल बढ़िया संभाले जी, जो चौधर करने वाले थे उनको खत्म कर दिया, वो बहुत बढ़िया काम किया जी मनोहर लाल जी ने। तो ये नौकरियों की बात की जाए, अब विपक्ष का कहना है कि पक्की नौकरी नहीं मिल रही, कच्ची नौकरियां दी जा रही है, कच्ची भी दी जा रही है, पक्की भी दी जा रही है, पक्की बहुत सी भर्तियां निकल रही है दे रहे हैं। आप कहाँ से आए? मैं गांव भाड़ा से हूँ जी, आदमपुर से। तो आदमपुर में किसकी टक्कर है? टक्कर किसी की नहीं है जी, बगैर एक तरफा जीत गए। कितने हजार वोटों से जीतेगा? करीब करीब 20 से 25 हजार वोटों से। एक चंद्र प्रकाश भी आए हैं? हाँ जी, चंद्र प्रकाश जी आए हैं, मैं जानता हूँ उनको भी। वो भी कह रहे हैं उन्होंने ओबीसी का काफी वोट ले। नहीं नहीं जी, ओबीसी हमारे साथ में है, ओबीसी चल रही है जी, वो बैठे हमारे गांव में ओबीसी इतना भव्य के साथ है। अब ये कहते हैं कि जो विपक्ष के लोगों का भाई, जो हरियाणा के किसान नाराज है बीजेपी से? नहीं जी, किसान नाराज नहीं, किसान लीडर नाराज है जी। किसान लीडर नाराज है? हाँ जी, किसान नाराज नहीं है जी, किसानों को टाइम पर मुआवजा भी मिला है, बीमा भी मिला है, हर तरह पानी भरिया था पीछे बारिश में, तो सरकारों ने निकलवाया था मोटर पाइप बहुत दिए जी। इस हार में क्या मानते हैं आप? किस एक सावित्री जिंदल है, कमल गुप्ता है, रामनिवास राडा है, किस किस की टक्कर मानते हैं आप? त्रिकोणीय मुकाबला जी, कोई निकाल सकता है जी। और नलवा में? नलवा में बीजेपी का लीडर है जी। जो पूरे अगर 7 विधानसभा क्षेत्र की बात की जाए, 7 विधानसभा में
बढ़िया है जी, बीजेपी का बढ़िया है। इस हार में तो कह रहे सावित्री जिंदल एक तरफा हो रही है, एक तरफा हो रही होगी जी, हमने तो नहीं देखी। तो बीजेपी की क्या नीति आपको पसंद आई? बीजेपी की बढ़िया नीति है जी, एक तो नौकरी दी जी बिना पर्ची और खर्ची, वो बढ़िया है जी। हमारे बच्चे लगे हैं जी, ये बेटा भाई ये बड़ा, इनका एक लड़का एक लड़की लगी है, ये बेटा भाई इसका लड़का लग गया जी, नहीं हमारे कोई नौकरी नहीं थी जी हमारे परिवार के। तो आज की रैली को लेकर क्या कहेंगे, कितने लोग यहाँ पहुंचेंगे? लाखों में पहुंचेंगे जी। क्या लगता है मोदी जी जो संदेश देंगे कितना इफेक्ट पड़ेगा? बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा जी, इस बात का सबको पता है। जैसे अभी राहुल गांधी जी ने वहाँ की बरवाड़ा में रैली की और एक ये रैली होगी, क्या देखते हैं? ये रैली जबरदस्त होगी जी, वहाँ पे इतना नहीं हुआ था, वो भी देखी थी मैंने। तो ये तमाम जो लोग कार्यकर्ता यहाँ पहुंचे हुए थे, इनका साफ तौर से कहना था कि ये जो बीजेपी की नीतियों से संतुष्ट है। और जो अगर बात की जाए किसानों की, किसानों के मुद्दे पर भी बातचीत की है, इनका ये कहना था कि किसान नाराज नहीं है, जो किसानों के लीडर हैं वो नाराज है। और आज की रैली को लेकर यहाँ का काफी हजारों की संख्या में लोग पहुंचेंगे, और इससे पहले राहुल गांधी ने भी रैली की। अब देखना ये होगा इस रैली में कितने लोग पहुंचेंगे। प्रवीण कुमार, हिसार।